हेलो फ्रेंड्स, आई एम फ्रॉम सेकेंड विजन बाय MNV सॉल्यूशन। आज मैं आपको स्मॉल मिनी पोर्टेबल वाईफाई कैमरे का डेमो देने जा रहा हूँ, जो रीजनेबल है और टू मोड वीडियो क्लैरिटी पे चलता है। सबसे पहले हम इस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करेंगे। इस प्रोडक्ट को जब आप खोलेंगे तो इसके अंदर हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स आती हैं। सुबह 12 बजे से शाम को 6 बजे तक आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये कैमरा आता है इसके साथ, और इसके साथ इसकी एसेसरीज आती हैं। एसेसरीज में इसकी चार्जिंग केबल आती है, इससे आप इस प्रोडक्ट को चार्ज कर सकते हैं। और चार्ज करने 1.5 घंटे के लिए चार्ज करेंगे, और 1.5 घंटे के चार्ज करने के बाद ये प्रोडक्ट 60 to 90 मिनट्स की बैटरी बैकअप देती है। अगर आपको इसको लॉन्ग आर्स के लिए चलाना है तो आप इस चार्जिंग केबल को इसके अंदर इंसर्ट करके डायरेक्ट चार्जर में लगा के 7 to 8 आर्स के लिए चला सकते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको 7-8 घंटे चलाने के बाद 2 घंटे के लिए ये प्रोडक्ट बंद करने हैं। और इसके साथ इसका एक स्टैंड आता है, ये स्टैंड मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ। ये मैग्नेटिक होता है, ये ऐसे आप लगा सकते हैं और इस पे आप कैमरा फिक्स कर सकते हैं ऐसे। ये देखिए, ये प्रोडक्ट है। अब इस प्रोडक्ट में मैं आपको सबसे पहले ऑन ऑफ का बटन है, ये देखिए यहाँ पे ये ऑन ऑफ का बटन है। इसके साथ में रीसेट का बटन है। इस रीसेट के बटन के बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। और उसके बाद यहाँ पे आप इसका USB केबल लगा सकते हैं, जो चार्जिंग केबल है ये वाला। प्रोडक्ट के साथ ये वाला चार्जिंग का केबल आता है। अगर आपको दूसरा चार्जिंग केबल यूज़ करना है तो आप बड़े वाला भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये आपको आफ्टर मार्केट परचेज करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे मेमोरी कार्ड का स्लॉट होता है, ये देखिए। अब मैं आपको मेमोरी कार्ड भी डालना सिखा देता हूँ। मेमोरी कार्ड इस प्रोडक्ट के साथ नहीं आता, आपको बाहर से परचेज करना पड़ेगा। ये देखिए, ऐसे पकड़ेंगे इस मेमोरी कार्ड को, ऐसे कैमरा है और ये ऐसे इंसर्ट होता है। और इसको अंदर तक इंसर्ट करेंगे और एक टिक की आवाज़ आएगी, ये इंसर्ट हो गया। प्ले स्टोर से आपको HD वाईफाई कैम प्रो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और इसके बीच में स्पेस नहीं होना चाहिए। ये एप्लीकेशन का आइकन ऐसे होगा, ये आप देख लीजिए और इसको डाउनलोड कर लेना। अब हम आपको प्रोडक्ट को स्विच ऑन करना सिखाएंगे। इसके ऊपर ऑन का बटन है, उसको आप सिंगल प्रेस करके छोड़ देंगे। सिंगल प्रेस करके छोड़ेंगे तो ये रेड लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, रेड लाइट ब्लिंक हो रही है, ये देखिए। अब हम इसको कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम फ़ोन की सेटिंग्स में जाएंगे, फिर वाईफाई पे जाएंगे। वाईफाई अगर आपका ऑन है तो इसको स्विच ऑफ कर देंगे। स्विच ऑफ करने के बाद फिर से स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे और वाईफाई की लिस्ट खोल लेंगे। जब वाईफाई की लिस्ट खोलेंगे हम, तो वहाँ पे वाईफाई के नाम आएंगे सारे। अगर नहीं आता तो एक बार फिर से बंद करके ऑन कर लीजिए। ये देखिए, अब यहाँ पे एक कोड आ रहा है DBG। ये DBG करके एक कोड जो आएगा, इसको आपको सिलेक्ट करना है। ये इस प्रोडक्ट का कोड है। इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्टिंग होगा, फिर उसके बाद लिखा होगा कनेक्टेड नो इंटरनेट। उसके बाद आपको उस एप्लीकेशन पे जाना है जो हमने डाउनलोड करी है, HD वाईफाई कैम प्रो। इसको हम खोलेंगे, इसको हर एक चीज़ अलाउ कर देनी है एप्लीकेशन की, और ये ऐसा इंटरफेस उसका होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये प्लस का बटन दबाना है। प्लस का बटन जैसे ही दबाएंगे, वैसे ही यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आएंगे। बीच वाला ऑप्शन है ऐड ऑनलाइन कैमरा, आप इस ऐड ऑनलाइन कैमरा को क्लिक करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, सर्च, QR कोड और ये श्योर वाला। आपको सबसे पहला वाला ऑप्शन करना है सर्च का। उसके बाद आप ये करोगे तो यहाँ पे वही वाला कोड दोबारा लिखा हुआ आ जाएगा, जो वहाँ पे लिखा हुआ था ना वाईफाई पे, उसको आप सिलेक्ट करोगे। और सबसे नीचे ऑप्शन है श्योर का, आप इसको श्योर कर दोगे। ये देखिए, आपका कैमरा ऑनलाइन आ गया। अभी ये कैमरा ऑनलाइन आया, उसको आप चलाएंगे। ये कैमरा आपका चल गया, ये देखिए, ये कैमरा आपका स्टार्ट हो गया। अब इसको, इसके दो वीडियो क्लैरिटी हैं, एक 720 और एक 1080। आप 1080 पे इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस कैमरे को हम आपके घर के राउटर पे डालेंगे। उसके लिए आपको ये सेटिंग का ऑप्शन है, ये सेटिंग के ऑप्शन को क्लिक करना है, और ये वाईफाई का जो सबसे पहला ऑप्शन है उसको दबाना है। वाईफाई को जब आप दबाएंगे
और उसके बाद ये देखिए आपका घर का वाईफाई का पासवर्ड, वाईफाई आ जाएगा, जैसे मेरा आ रहा है घर का तो आपका भी आ जाएगा, उसको आपको सिलेक्ट करना है। अगर यहाँ पे वाईफाई नहीं आएगा तो ये वायरलेस एक्सेस पॉइंट जो लिखा हुआ है इसको 2-3 बार क्लिक कर देना, तब आपके घर का वाईफाई आ जाएगा। अब जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये बीच में वाईफाई का पासवर्ड डालने का ऑप्शन है, अब ये आपको बीच में यहाँ पे पासवर्ड डाल देना है। जैसे ही पासवर्ड डालेंगे, यहाँ पे एक आई बटन है, आई बटन को एक बार क्लिक करके पासवर्ड को रीचेक ज़रूर कर लेना, रीचेक करके फिर से, और उसके बाद आपको श्योर का बटन दबा देना है। श्योर के बटन को दबाने के बाद आपको 30 सेकेंड्स तक वेट करना है। अब क्या हो रहा है, अब कैमरा रीबूट करेगा अपने आप को और आपके घर के वाईफाई पे डल जाएगा ऑटोमेटिकली। अब ये रीबूट हो रहा है, अब ये रीबूट हो जाएगा। अब ये देखिए आपका कैमरा ऑनलाइन आ गया। अब इस ऑनलाइन को क्लिक करेंगे, ये देखिए कैमरा चल गया, अब ये आपके घर के राउटर से सिंक्रोनाइज हो गया। अब एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें एक ऑप्शन है नाइट विजन का, नाइट विजन इसमें मैन्युअली ऑन करना पड़ता है। यहाँ पे देखेंगे एक बल्ब है, बल्ब का एक ऑप्शन दिखा हुआ है, ये देखिए यहाँ पे, इसको आप करेंगे और इसमें ओपन करना है, ओपन करेंगे तो ये नाइट विजन ऑन हो गया। आप देखिए ब्लैक एंड वाइट पिक्चर आ रही है इसमें, और इसमें अब मैं आपको एक सेटिंग में, अब ये देखिए ये नाइट विजन पे चल रहा है, ये देखिए इसके IRs ऑन हो गए हैं। ये वैसे नॉर्मली आपको दिखेंगे नहीं, अगर आप किसी फ़ोन की स्क्रीन पे देखोगे तो दिखेंगे ये IRs। अब इसके बाद मैं आपको एक ऑप्शन और बताता हूँ, जो हमने मेमोरी कार्ड इंसर्ट किया था ना, वो मेमोरी कार्ड आपको कहाँ पे दिखेगा, ये देखिए। अब ये ऊपर सेटिंग का ऑप्शन है, उस सेटिंग के ऑप्शन को दबाइए, और यहाँ पे ये जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है ना, रिकॉर्ड को दबाएंगे और ये चेकिंग SD कार्ड करेगा, तो यहाँ पे SD कार्ड आपका शो कर जाएगा। यहाँ पे ये देखिए जैसे 99% बचा हुआ है, तो ये जो हमने मेमोरी कार्ड डाला था वो ये शो कर रहा है पूरा। अब हम आपको इसको एक बार रीसेट करना सिखा देते हैं, अगर आप यहाँ पे गलत पासवर्ड डाल दें या कुछ भी हो जाता है तो वो रीसेट कैसे करते हैं। ये जो इसके ऊपर यहाँ पे एक बटन है, देखिए दो बटन है, यहाँ पे एक रीसेट का बटन है और एक ऑन ऑफ का बटन है। ये जो रीसेट वाला बटन है, ये देखिए, इसको आपको 20 सेकेंड्स तक दबा के रखना है, ये प्रोडक्ट रीसेट हो जाएगा। और ये आपको यू नीड टू मेक श्योर कि ये प्रोडक्ट ऑन रहे, और ये 20 सेकेंड्स जैसे ही हो जाएंगे वैसे आप अपनी फिंगर हटा लेंगे और ये डिवाइस रीसेट हो जाएगी। That's it. ये लाइटें बंद होगी, अब ये लाइट बंद होके दोबारा ऑन हो जाएगी अपने आप, ये देखिए अपने आप ऑन होगी, ये रीसेट हो गया, ये देखिए। थैंक यू।